सुप्रभात दोस्तों, आज हम इस गुलाब की कटाई, छटाई, गुड़ाई, सफाई पे ध्यान देंगे, है ना? मैं आपकी गार्डनर दोस्त सुनीता, और आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज हम इस गुलाब की थोड़ी सी प्रूनिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की, क्योंकि अब बारिश तो होने होने वाली नहीं है। तो जैसे जो ब्रांचेज हैं या जो पत्ते हैं ख़राब हो रहे हैं, पीले पीले हैं या ब्राउन कलर के हो रहे हैं, उन सबको साफ़ करेंगे। और मुझे लग रहा है कि बारिश के बाद में फंगस का अटैक आने लगा है इन पे, क्योंकि बारिश होती रहती है तो नाइट्रोजन मिलता रहता है, जिससे इन पे हरियाली रहती है। जैसे ही धूप निकलती है तो फंगस का अटैक शुरू हो जाता है। तो इसमें मैंने कल पानी नहीं दिया, परसों भी पानी नहीं दिया, 2 दिन पानी नहीं दिया गुलाब में। तो अब जब गुलाब की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो अब इसकी मैं कटाई छटाई करके इसमें फंगिसाइड पाउडर डालूंगी, जो फंगस को किल कर देगा। इसकी सारी पत्तियाँ कुछ अजीब सी हो रही हैं, कुछ तो कीड़े का अटैक भी है इनमें, बारीक बारीक जो सुंडी होती ही नहीं है उनका अटैक है। वो फूलों की कलियों में घुस जा रही हैं, उन्हें खा ले रही हैं, कुतर दे रही हैं, छोटी छोटी कर दे रही हैं, बिल्कुल बेकार कर दे रही हैं। वो मेरे इतने सुंदर सुंदर रोज़ थे, ये देखो इसके अंदर है, ये इसमें बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसके अंदर बैठ जाते हैं, वो बढ़ने ही नहीं देती हैं। और ये देखो, ये अभी दिखाती हूँ आपको कट करके, इसके अंदर भी सुड़ी ही बैठी हुई है छोटी सी, देखो आप, ये है बिल्कुल काली काली, जो ब्लैक ब्लैक है, ये सुड़ी बैठी हुई है इसमें, है। तो ये सही, ये मेरा रेड कलर का रोज़ है, इसकी पत्तियाँ भी अजीब सी मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फंगस के अटैक के कंट्रोल भी कर लेंगे। अगर फंगस का अटैक होगा तो वो भी किल हो जाएगा। अब इसके बाद में 2-3 दिन बाद में इसमें डालूंगी नीम ऑयल, जिससे ये छोटे छोटे कीड़े जो दिख रहे थे, सूड़ी वगैरह, ये सब खत्म हो जाए। तो बैगन में, इनमें सभी में डालूंगी मैं। तो आज तो फिलहाल तो इसकी कटाई छटाई गुड़ाई ही करूंगी मैं, अच्छे से कटिंग करके, जितनी भी, पूरी नहीं काटनी है कि बहुत ज़्यादा, और ये कट भी तिरछा लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। देखो है, तिरछा, तिरछे साइड्स में ऐसे करके तिरछा करके कट लगाना है। मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं कट लगाती हूँ तो तिरछा ही लगाती हूँ, चाहे ऊपर से लगाऊँ चाहे नीचे से लगाऊँ। तो आपको तिरछा करके कट लगाएंगे तो उस पर अगर पानी भी डालोगे तो पानी रुकेगा नहीं। अब देखो ये सारे सारे फ्लावर्स ऐसे हो रहे हैं, अजीब अजीब से, सूखे सूखे से, ब्लैक ब्लैक से, ये कीड़े बढ़ने नहीं दे रहे हैं इन्हें। जितनी जितनी भी ये ब्राउन है, येलो पत्तियाँ हैं सारी, या जो भी ब्रांचेज हैं जो बिल्कुल अपने शेप खो गई हैं, साइड से निकल गई हैं बाहर को, उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रून कर देंगे, कट कर देंगे। और उसके बाद में मैं कल या परसों नीम ऑयल डालूंगी इसमें। आज तो फंगिसाइड डालूंगी, कल नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगी। उसके बाद में परसों डालूंगी मैं खाद, खूब अच्छे से कंपोस्ट खाद डालूंगी, होममेड कंपोस्ट खाद, किचन वेस्ट से बनी हुई वो भी खाद डालूंगी। और नीम खली तो अभी मैंने 15-20 दिन पहले डाली थी, खाद भी डाली थी, मगर फिर से मैं डालूंगी, क्योंकि अब इनकी कटाई छटाई हो गई है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है खाद वाद डालना। अब इसे अच्छे से मैंने कल ही गुड़ाई कर दी थी, शाम को, कल शाम को मैंने गुड़ाई कर दी थी, जिससे इसकी मिट्टी भुरभुरी भी हो गई और थोड़ी एयर पास भी हो गई इसमें, एयर वेंटिलेशन भी हो गया इसमें, एयर क्रॉस हो गई अंदर तक, ऑक्सीजन मिल गई होगी जड़ों को। तो अब इसमें जब मैं फंजीसाइड का लिक्विड डालूंगी बना के, तो खूब अंदर तक हो जाएगा। ये देखो गुलदाउदी की कटिंग भी रेडी हो गई है, तो मुझे अब ये भी ट्रांसप्लांट करूंगी मैं। सारी जितनी भी आप काट सकते हो, येल्लो या जो मुड़ी मुड़ी पत्तियां हैं वो भी कट कर दो। तो बहुत हालत ख़राब हो गई है, ये 5-6 दिनों से बारिश नहीं हो रही, उसी में इनकी हालत ख़राब हो गई रोज़ की। ऐसे अच्छे खासे फूल आ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। और मेरे तो एक तो प्लांट की तो बिल्कुल ही पत्तियाँ गिर गई थी, येलो कलर का रोज़ था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यू ब्रांचेज नहीं आ रही हैं अभी 5-6 दिनों से ही। देखो अजीब से फ्लावर्स अजीब से ही हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, ट्रीटमेंट तो अब करूँगी मैं इनका, कटिंग करके फिर उसके बाद में गुड़ाई तो मैंने कल ही कर दी थी, पानी नहीं दिया था परसों, फिर कल पूरे दिन ऐसे सूख गई मिट्टी, शाम को मैंने गुड़ाई कर दी। अब गुड़ाई कर दी तो अब फिर
कटिंग करके मैं फंजीसाइड डालूंगी इसमें सब में। धूप भी बहुत तेज पड़ रही है ना, पानी नहीं मिला तो कुछ और ही अजीब सी हो गई है इनकी ब्रांचेस। अब कट करके इसमें आप भी अपने, अब पता चले आप पूरी पूरी मोटी मोटी ब्रांचेस काट दो, वो मत काटना आप, नहीं तो उसमें फंगस लग जाएगी। अब ये देख रहे हो आप, इसमें ये चीज़ भी नोटिस करना, ये जो शक्कर निकल रही है, शक्कर जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जो जंगली प्लांट्स पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो उसकी ब्रांच निकल आई है। वैसे तो नीचे से निकलती है, मगर इसकी दूसरी साइड से जो ऊपर की साइड है वहाँ से निकलने लगी है। मैं तो सोच रही थी ये क्या कहते हैं फ्लावर्स वाली ब्रांच होगी, वो इस चक्कर में इतनी बड़ी हो गई। अब अभी देखा तो वो अलग ही है, क्योंकि वैसे तो नीचे से शक्कर निकलती है, पर ये नीचे से नहीं ऊपर से निकली है, ग्राफ्टेड पोर्शन से नहीं, अलग से निकली है। जो अलग टहनी है ना, ये इससे निकली है जंगली प्लांट की। तो ये सारी, इसे कट करना बहुत ज़रूरी है, इसे कट नहीं करेंगे तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूरे सारे शक्कर लेगी, क्योंकि ये शक्कर जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो जो हमारा मेन प्लांट है वो उसे मिलेगी नहीं फूड, बिल्कुल मिलेगी नहीं, वो सारा फूड वही खाती रहेगी। तो ये सारी ब्रांचेस कट कर दूंगी बेकार वाली, तो इसमें खाद डालूंगी तो खूब अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी एकदम से। और छोटी छोटी काटना, आप पता चले आप बड़ी बड़ी काट दो मोटी मोटी तो उसमें फंगस लग जाएगा, डाईबैक हो जाएगी, तो वो चीज़ ध्यान देनी ज़रूरी है। ये एकदम से कट ना कर दे। अभी मेरी जो जितनी भी इसमें कलियाँ लग रही हैं, इनमें सब में एक तरफ से सभी में अटैक हो रहा है। मैंने पहले भी दिखाया होगा अपने वीडियो में, मेरे गुलाब बहुत अच्छे खिलने लगे थे जब मैंने खाद वगैरह डाली थी, नीम कली डाली थी, खाद डाली थी, फूल बहुत अच्छे खिलने लगे थे। ये मेरे प्लांट में फंगस का अटैक नहीं लग रहा, मुझे ये कीड़ों का अटैक लग रहा है। ये तो चलो फंजीसाइड डाल ही देती हूँ, पर इसमें नीम नीम भी डालना पड़ेगा, नीम का और नीम ऑयल और किचन जेल जो होता नहीं है, किचन या हैंड वॉश होता है जो, वो मिक्स करके मुझे इसमें डालना पड़ेगा। ये तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये वाला प्लांटर छोटा पड़ रहा है, रोज़ हो गया बड़ा, तो ये तो रिपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो अभी नहीं करूँगी मैं, नवंबर में करूँगी, अक्टूबर लास्ट में नवंबर में करूँगी। जितनी भी कटिंग वगैरह सब कर करा के, और आप खाद वगैरह भी अरेंजमेंट करके रखो, जैसे खाद डालना पड़े, मुझे तो लानी पड़ी थी, मैं लेके आ चुकी हूँ, तो वो 50-50 की खाद डालूंगी जिससे भरपूर फूल मिले मुझे। कंपोस्ट तो बनाई रखी है, बर्मी कंपोस्ट, तो भी देखो कितनी येलो लीव्स हो गई हैं, सारी येलो येलो हो रही हैं सारी कटिंग करके, नहीं तो ये बेकार ही होती रहेंगी और इनकी वजह से फंगस भी लग जाएगी इसमें। धूप बहुत तेज है, दिमाग बिल्कुल गर्म हो रहा है, सच में धूप बहुत तेज हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है तेज, ऐसा लग रहा है वापस गर्मी आ गई है। सुबह के 7 बजे की टाइम की बात है, ये इतनी तेज धूप हो रही है। सारे फ्लावर्स जो डेड फ्लावर्स हैं वो भी कट कर दो, मैं तो कलियां भी कट कर दी क्योंकि उनमें तो बैठे हुए हैं कीड़े, कम से कम बाहर गिरेंगे तो मरेंगे तो बाहर निकल के, या कुछ नहीं तो चींटियां ले जाएंगी, कबूतर ले जाएंगे, सारी जितनी भी डेड लीव्स हैं या जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, डी शेप हो गई हैं, बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, तो उन्हें आगे से थोड़ी थोड़ी कट कर दो, वो सही रहेंगे। और सारे जो बीट्स वगैरह निकल रहे हैं, बारिश के टाइम में बीट्स बहुत निकल आती हैं, घास एक्स्ट्रा जो जो भी निकल रहा हो वो सब उखाड़ कर बाहर फेंक दो, क्योंकि फिर वो सारी ग्रो सारी फूड तो वही खाती रहेंगी। ये सारी पीली पीली पत्तियाँ कैसे गुच्छे जैसे हो गई हैं, पत्तियाँ आगे बढ़ नहीं रही हैं और वो मुड़ सी गई हैं, मुड़ी मुड़ी सी। तो ये सारी पत्तियाँ ऐसे ही निकाल दूंगी, न्यू ग्रोथ तो आएगी तो अच्छे से आएगी। ये आपने मेरा शेडेड रोज देखा होगा, बहुत सुंदर खिल रहे थे उस समय, और अब देखो कैसा हो रहा है, अजीब सा, अब ज़्यादा अटैक हो रहा है, बरसात में इतनी परेशानी नहीं हुई थी। और जो जो काली ब्रांचेस हो रही हैं शुरुआत में, जैसे डाईबैक टाइप की, वो भी कट कर दीजिए, नहीं तो वो आगे और बढ़ जाएगा डाईबैक, उनका डाईबैक तो बिल्कुल मार ही देता है प्लांट को,
वो डायबैक कट करने के बाद में काली जो ब्रांच हो जाए उसे कट करने के बाद में उसमें फंजीसाइड जरूर लगा दो थोड़े से पानी में घोल के, तो वो अच्छे से ख़त्म कर देगा, फंजीसाइड जो है वो किल कर देगा। फंजीसाइड भी अच्छा वाले लेके आओ, क्योंकि अगर फंजीसाइड अच्छा नहीं होगा तो बेकार होगा, बेकार हो जाएगा। तो मैं ये, मुझे कम से कम 10 प्लांट होंगे गुलाब के, तो मैं इसमें 10 चम्मच के लगभग डालूंगी। तो ये 15-20 लीटर का तो होगा टब, ये पूरा भर के मैं इसमें, और इसमें घोल के मग में डाल रही हूँ। ये मैं 10 चम्मच डाला है, 1 लीटर में 1 लीटर में 1 चम्मच डालते हैं, तो 10 में 10 हो गया। तो पूरे भर के मैंने ये रेडी कर लिया है। जितने भी फंजीसाइड, जितने भी फंगस से अटैक हो रहा है जिन जिन में, उन सब में मैं स्प्रे भी कर दूंगी और उसकी मिट्टी में भी डालूंगी, इसलिए ढेर सारा बना रही हूँ मैं। ये सभी में डालूंगी मैं, अडेनियम में भी डालूंगी, बालसम में भी डालूंगी, और ये रोज़ में भी डालूंगी, सदाबहार की कटिंग्स वगैरह हैं उनमें भी, सभी में लगाऊंगी ये मैं। आज मैं पूरे दिन यही फंगस पे अटैक करूंगी मैं, फंगस मेरे प्लांट्स पे अटैक कर रही है और मैं फंगस पे अटैक करूंगी फंजीसाइड से। नहीं सच में, ऐसे पूरी तरह से बरसात में इतना नहीं दिक्कत हुई थी, अब जैसे 4-5 दिन हो गए, ये 1 सप्ताह हो गया लगभग, ठीक से बारिश नहीं हुई है। और जैसे बारिश बंद हुई वैसे एकदम से फंगीसाइड सब पे फंगस लग रही है। बालसम पे भी कई मैंने दिखाए होंगे, उसमें भी लग रही है, कई बालसम में भी लगने लगी है। अरे एक हाथ में दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं। एक्चुअली पानी चल रहा है तो मैंने सोचा चलो पानी के लगा ही दूं, इसमें पाइप रख दे रही, पानी लगता रहेगा इधर। मैं इस पर फटाफट कर दूं। सबसे टेंशन वाला काम लगता है स्प्रे, बार बार उसे, बड़ी मशीन हो तो जरा सी देर में हो जाए, अब इससे तो दिक्कत होती है, बहुत देर में हो पाता है। खूब अच्छे से फंगस जो है ना, खूब फंजीसाइड जो है स्प्रे जो, खूब अच्छे से डालो प्लांट्स पे, पूरी तरह से नहला दो, बिल्कुल नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से हर तरफ से स्प्रे करो तो अच्छा है। जरा सी भी कोई भी ब्रांच रह गई तो पता चले वहीं से फिर से शुरू हो जाए फंगस, तो खूब अच्छे से बिल्कुल नहला दो ऊपर से नीचे तक प्लांट्स को। अब इसमें मिट्टी में भी डाल देना, मैं मिट्टी में भी डालूंगी और इसमें भी डालूंगी, हर पूरी तरह से हर प्लांट में। बालसम में भी ऐसे ही करूंगी, इस समय पहले स्प्रे भी कर दूंगी और उसमें भी डाल दूंगी मिट्टी में भी। सारी ब्रांचेस पे, सारी पत्तियों पे, नीचे से पत्ती के नीचे से भी, मेरा सारा इधर जितने भी प्लांट्स लगे हैं सारे रोज प्लांट ही लगे हुए हैं, रेड येलो वाइट शेडेड ऑरेंज ऑरेंज मेहरून भी है, मरून जो कलर का था वो भी है। चलो आज इतनी मेहनत हो गई, मेरे प्लांट्स अच्छे हो जाए तो सफल हो जाएगी मेरी मेहनत, है ना। फ्रेंड्स अब ये एक एक मग सब में डाल दूंगी मैं, सभी में, इससे जो मिट्टी में अगर जो फंगस के कीटाणु होंगे मिट्टी मिट्टी के अंदर, तो वो भी किल कर देगा ये फंजीसाइड। सभी में A to Z सभी में आप डालना, नहीं तो पता चले इसका उसमें भी अटैक कर देती है ना एक दूसरे में, उड़ते ही रहते हैं फंजीसाइड।